आज हम लोग करंट अफेयर्स के अपनी एक सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक है बांग्लादेश से रिलेटेड। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम क्या था, मुक्ति वाहिनी फोर्स क्या थी, बांग्लादेश जो कि कभी ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था आखिर कैसे एक नया देश बन गया, और फिर आखिरी में गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज 21 जो कि इस साल बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, इसके पीछे का क्या कारण है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि हम लोगों की क्लास का आधार केवल कॉन्सेप्चुअल स्टडीज होती हैं, इसलिए मैं आपको आज बांग्लादेश का पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो बांग्लादेश की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो विभाजन भी हुआ, और सेपरेशन में दो नए देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। लेकिन अगर आप इस मैप में देखें ध्यान से तो पाकिस्तान जैसा आज आपको दिखता है ऐसा नहीं था। पाकिस्तान के दो पार्ट्स हुआ करते थे, एक पार्ट था ईस्टर्न पाकिस्तान और दूसरा पार्ट था वेस्टर्न पाकिस्तान। और इस मैप के ऊपर आपको ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान का हाइलाइटेड पोर्शन नजर आ रहा होगा। पाकिस्तान दो हिस्सों में बना तो, लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन और क्राइसिस कुछ इस तरीके की रही कि ये अपने ही देश में चीजों को हैंडल नहीं कर पाए और एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर्स हो गए। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर्स किस वजह से हुए, इसको समझने के लिए जरा आप आज के पाकिस्तान को देखिए। आज के पाकिस्तान का ये जो प्रोविंशियल मैप आपको नजर आता है, इस मैप में आपको पाकिस्तान के चार प्रोविंसेस नजर आ रहे हैं, जिसमें कि पहला प्रोविंस आप देख सकते हैं पंजाब, दूसरा प्रोविंस जो पाकिस्तान का है उसका नाम है पश्तूनिया, और इनके ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि ये जो पश्तूनिया प्रोविंस है इसकी काफी सारी जमीन इन लोगों ने अफगानिस्तान से छीनी हुई है। यही रीजन है कि पश्तूनिया प्रांत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के बीच में भी लगातार क्लैशेस चलते रहते हैं। तीसरा प्रोविंस जो पाकिस्तान का आप देख रहे हैं इसका नाम है सिंध, और इस सिंध का जो बॉर्डर है ये इंडिया से टच करता है, राजस्थान से टच करता है, हालांकि ये पीसफुल बॉर्डर है। इसके बाद जो चौथा स्टेट आप देख रहे हैं इसका नाम है बलूचिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान को लेकर के आरोप लगते रहे हैं कि बलूचिस्तान की काफ़ी सारी जमीन पाकिस्तान ने ईरान से खींची हुई है, ईरान से छीनी हुई है। तो अगर इन चारों प्रोविंसेस को आप ध्यान से देखें तो पंजाब प्रोविंस के अंदर रहते हैं पंजाबी बोलने वाले लोग, पश्तूनिया प्रोविंस के अंदर रहते हैं पाश्तो बोलने वाले लोग, सिंध प्रोविंस के अंदर रहते हैं सिंधी बोलने वाले लोग, और बलोचिस्तान के अंदर रहते हैं बलोच बोलने वाले लोग। चूंकि इन लोगों के अंदर लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट्स हैं, यही रीजन है कि इनमें आपस में कभी नहीं बनती है, पंजाबियों की पाश्तो से नहीं बनती है, सिंधियों की बलोचों से नहीं बनती है, और इन चारों की एक दूसरे से नहीं बनती है। तो ये एक ऐसा फेल कंट्री है जो इंटरनल क्लैशेस से ज्यादा परेशान रहता है। एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो बलूचिस्तान है यहाँ पर शिया डोमिनेटिंग सोसाइटी है और सुन्नियों से इनके क्लैशेस चलते रहते हैं, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो पश्तूनिया प्रोविंस आपको नजर आ रहा है यहाँ पर पाश्तो में वो लोग जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते और वो लोग जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों ने मिलके एक ज्वाइंट फोर्सेस बनाई है तालिबान, और ये तालिबान लगातार पाकिस्तान की नाक में दम करके रखता है। और ये जो चारों प्रोविंस आप देख रहे हैं इसके बीच में, ये चारों प्रोविंस जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर एक शहर है पाकिस्तान का क्वेटा, और ये क्वेटा इन संघर्षों का केंद्र बना रहता है, पॉइंट ऑफ स्ट्रगल बना रहता है। तो जितने भी बम विस्फोट पाकिस्तान में होते हैं या जो भी यहाँ पे मारपीट होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका जो सेंटर पॉइंट है वो कहीं ना कहीं क्वेटा बना रहता है। तो ये तो हो गई पाकिस्तान की प्रॉब्लम। लेकिन जब ये पाकिस्तान बना तो इस वाले एरिया को वेस्टर्न पाकिस्तान कहते थे क्योंकि ये इंडिया के वेस्ट में था। अब जरा आप ईस्टर्न पाकिस्तान को देखिए, ईस्टर्न पाकिस्तान जो आपको नजर आ रहा है
ये अनडिवाइडेड बंगाल का हिस्सा है। 1905 के पहले जब तक बंगाल का डिवीजन नहीं हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने जब तक बंगाल को डिवाइड नहीं किया था, उसके पहले तक ये पूरा एरिया जो आपको नजर आ रहा है, जिसमें इंडिया का बंगाल है और आज का बांग्लादेश है, इट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ बंगाल। बंगाल को डिवाइड कर दिया गया ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में। तो फिर जो ईस्टर्न बंगाल हुआ, यही ईस्टर्न बंगाल आगे चल के 1947 में ईस्टर्न पाकिस्तान बना। तो इस तरीके से आप इस बड़े मैप के ऊपर देख सकते हैं कि एक तरफ है पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी तरफ है पश्चिमी पाकिस्तान, और इन दोनों स्टेट्स को अगर मिला दिया जाए तो फिर बनता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब जो पूर्वी पाकिस्तान है, ईस्टर्न पाकिस्तान है, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बंगाली बोलने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि प्रीवियसली इट वॉज नोन एज बंगाल। तो वहाँ पर आपने देखा कि पंजाबी हैं, पाश्तो हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, और यहाँ पर आपने देखा बंगाली हैं। तो जिस तरीके से वेस्टर्न पाकिस्तान में आपस में किसी में नहीं बनती, तो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों में भी आपस में नहीं बनेगी। तो एक तरीके से आप देखते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान में आपको डिसफॉर्मिटी मिलती है, जबकि किसी भी राष्ट्र के बनने का जो मूल सिद्धांत है वो है यूनिफॉर्मिटी। इसके बाद जो पाकिस्तान के पिता हैं, फादर हैं, वो हैं साहब मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को जिस नींव पे तैयार किया, जिस आधार पे तैयार किया, वो आधार था उर्दू। अब इतनी कहानी सुनने के बाद आप मुझे ज़रा ये बताइए कि आपको उर्दू लैंग्वेज कहाँ नज़र आती है? पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं, पश्तूनिया में पाश्तो बोलते हैं, सिंध में सिंधी और बलूचिस्तान में बलोच बोलते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान में सारे के सारे बंगला बोलते हैं। तो क्या आप उर्दू के नाम पे एक इतने बड़े देश को यूनिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना खुद उर्दू नहीं जानते थे। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदी भी नहीं जानते थे, वो केवल अंग्रेजी जानते थे, क्योंकि सारा जिंदगी तो वो इंग्लैंड में रहे हुए थे, लंदन के पढ़े बढ़े थे, पंडित नेहरू के बड़े ही करीबी दोस्त थे। तो एक ऐसा शख्स लैंग्वेज के नाम पर देश बनाने की बात कर रहा है जिसको खुद को वहां की लैंग्वेज नहीं आती है। तो फिर रीजन क्या था पाकिस्तान के बनने का? तो वो थे रेडिकल थॉट्स, एक तरीके की चरमपंथी विचारधारा जो कि चरमपंथी इस्लाम को बढ़ावा देती थी, रेडिकल इस्लामिज्म को बढ़ावा देती थी। लेकिन खैर जो भी हुआ, फाइनली पाकिस्तान बन तो गया। अब पाकिस्तान बनने के बाद यहां पर जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये थी कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भरे हुए हैं, जैसे कि वहाँ पर धान बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर जूट बहुत अच्छा होता है, पटसन बहुत अच्छा होता है, गारमेंट इंडस्ट्री वहाँ पर बहुत अच्छी है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहीं पे तो अपना पूरा व्यापार किया था। और अगर आप वेस्टर्न पाकिस्तान को देखें तो सारी की सारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो वेस्टर्न पाकिस्तान के पास हैं। तो ना ही यहाँ पे लैंग्वेज में यूनिफॉर्मिटी थी, ना ही यहाँ के कल्चर में यूनिफॉर्मिटी थी, और ना ही यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर या नेचुरल रिसोर्सेज में यूनिफॉर्मिटी थी। इसलिए पाकिस्तान के बनने के केवल 10 सालों के अंदर अंदर इन दोनों में आपस में पटनी बंद हो गई। दूसरी तरफ 1959 के आसपास, या आप कह सकते हैं 60s में, ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्रों का आंदोलन होता है, और इस आंदोलन का बैकग्राउंड ये कहता था कि हमें पाकिस्तान से कोई एलर्जी नहीं है, हमें पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे ऊपर उर्दू को जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। हमारी जो मातृभाषा है वो बंगला है, और इस बंगला को अगर आप उर्दू में फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ नॉट गुड। और वेस्टर्न पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो सेना के जनरल थे, उनको ये बात कभी पसंद आती नहीं थी। तो धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में आपस में क्लैशेज बढ़ने लगे, और एक समय पर ये क्लैशेज इतने ज़्यादा बढ़ गए कि कोई एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं, और साथ ही साथ आप अपने ही देश में घूमने नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ज़रा डिस्टेंस तो देखिए।
आप कराची से लेकर के चट्टोग्राम तक जाइए या कराची से लेकर के आप अगर ढाका तक जाइए तो डिस्टेंस आप देख रहे हैं कितनी लंबी है। आपके जीवन की सारी कमाई तो खर्च हो जाएगी अपने ही देश में घूमने के लिए। दूसरी तरफ लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट्स हैं यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए निष्कर्ष ये निकाला गया कि अब जो वेस्टर्न पाकिस्तान है वो अपनी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन ईस्टर्न पाकिस्तान पर निकालेगा। एक पूरी की पूरी ब्रिगेड को यहाँ पर भेज दिया गया और कहा गया कि इन लोगों को कंट्रोल करो। अगर कोई भी पूर्वी पाकिस्तान का रहने वाला सिटीजन बंगाली बोलता मिल जाए, बंगला को सपोर्ट करता मिल जाए, तो उससे उर्दू बुलवाओ, उर्दू नहीं बोलेगा तो मार दो। और करीब करीब 10 साल 1960 से लेकर के 1970 तक पूर्वी पाकिस्तान के अंदर ये कत्लेआम चलता रहा। अगर इस कत्लेआम की तस्वीरें आप लोग देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। औरतों को किडनैप करके उनका सामूहिक बलात्कार किया जाता था। सामूहिक बलात्कार के साथ ही साथ उनको सेक्स स्लेव बनाया जाता था, सेक्स वर्कर बनाया जाता था और कैंटोनमेंट एरिया में पाकिस्तानी अफसरों के सामने उनको प्रेजेंट किया जाता था। जिस मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पे ये देश बना, आप मुसलमान मुसलमान पर ही अत्याचार कर रहे थे, ये बहुत शर्मनाक बात थी। और इस अत्याचार की सिर्फ एक वजह थी लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट्स, भाषाई विविधता। बंगाली बोलने वालों को देखते ही मार दिया जाता था, या तो वो उर्दू बोलने के लिए रजामंद हो जाएं, और अगर रजामंद नहीं होंगे तो बंगालियों से नफरत थी। यहाँ पे बच्चों के सर काट दिए जाते थे, लड़कियों को रेप करके चलते हेलीकॉप्टर से ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता था। और आप कह सकते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो एक तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए ऐशगाह बन चुका था। आप शायद विश्वास न कर पाए, 10 सालों के अंदर अंदर 3 मिलियन बंगालियों को कत्ल कर दिया गया। 30 लाख बंगालीज वर किल्ड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस। यहां पर पाकिस्तान के अफसर जब शाम को अपने डिनर टेबल में बैठते थे तो कितने बंगाली मारे तुमने, इसकी चर्चा होती थी। और बड़ी बड़ी परातों में, थालियों में औरतों के स्तन और बच्चों के सर प्रेजेंट किए जाते थे फॉर द काउंटिंग पर्पस। लोगों को जहर दे दिया जाता था, मारने के बाद मीडिया में खबरें लीक ना हो पाए इसके लिए सामूहिक कब्रें खुदवाई गई थी। आज भी बांग्लादेश में ऐसी सामूहिक कब्रें कभी कभी मिल जाती हैं जिसके बारे में कभी किसी को पता तक नहीं था। ये सारे अत्याचार जब पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ते रहे तो यहाँ की जनता ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। और अगर पूर्वी पाकिस्तान से कोई माइग्रेट करेगा तो उसके लिए सबसे ज्यादा सरल जगह कौन सी होगी जहां वो जाना चाहेगा, वो होगा पश्चिम बंगाल यानी कि इंडिया। और उस जमाने में बॉर्डर्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ करते थे, इसलिए ये सब माइग्रेट कर करके इंडिया आने लगे। तो माइग्रेशन कितना हुआ, 8 मिलियन के आसपास। करीब करीब 80 लाख बंगाली भाग करके भारत आ गए। और जब इतने सारे बंगाली भाग करके भारत आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद वो ये कहेंगे कि आप चाहे हमारा गला काट दीजिए लेकिन हम लौट करके पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी खुदगर्ज तो नहीं है कि उनको भगा देगी। तो हमने उनको कैंपों में रख करके खाना खिलाया, लेकिन चूंकि हमें भी अभी आजाद हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ था इसलिए हमारे देश में भी खाने पीने की समस्याएं थी, जिसके चलते ये जो एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ पॉपुलेशन था इट कुड नॉट बी टॉलरेटेड। और फाइनली हमने जो वेस्टर्न पाकिस्तान है उससे बात करनी शुरू करी, डायलॉग करना शुरू किया कि आप ईस्टर्न पाकिस्तान में क्या कर रहे हो, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और उस जमाने की जो ग्लोबल पावर्स थी जैसे कि यूएसए, ये सारे लोग पाकिस्तान को सपोर्ट भी करते थे। यही रीजन था कि पाकिस्तान के हौसले बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। फाइनली वो शख्स अब पूर्वी पाकिस्तान के अंदर आता है जिसने यहाँ पे सबको बदल के रख दिया। यहाँ पर ये जो शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र मैंने किया, ये आवामी लीग की स्थापना पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के अंदर करते हैं और ये छात्रों को कलेक्ट करते हैं। ये स्टूडेंट यूनियन के वही नेता थे जिन्होंने 1959 के विद्रोह में वहां पर बगावत करी थी और छात्रों को इस बात के लिए मोटिवेट किया था कि जिएंगे मरेंगे लेकिन बंगला बोलेंगे। इफ यू किल मी आई विल नेवर स्पीक उर्दू, आई विल डाई फॉर माई मदर टंग, आई विल डाई फॉर बंगला।
ये वहां पे नारा दिया गया था, कोरबो लड़बो जीतबो फॉर व्हाट, फॉर बंगला। तो शेख और मुजीब रहमान जो थे ये यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था अवामी लीग। लेकिन यहाँ पर एक बहुत प्रशंसा करने वाली बात है कि इन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, इनका आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसक था। अवामी लीग पार्टी बन गई, 1970 में वहाँ पे जनरल इलेक्शंस होते हैं और अवामी लीग चुनाव जीत जाती है, साथ ही साथ बहुमत से सरकार बनाती है। अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो मुजीबुर रहमान है, जिनको मुजीब रहमान भी कहा जाता है, इनको बनना चाहिए था प्रेसिडेंट, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्या किया, इनको उठा के जेल में डाल दिया। एक इलेक्टेड व्यक्ति को आपने उठा के जेल में डाल दिया और अपने देश का नाम क्या लिए फिरते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो यहां से फिर आपको रिपब्लिक वर्ड को डिलीट कर देना चाहिए ना, आप सीधे बोलिए इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान और सारी दुनिया को बताइए कि आपके यहाँ पे शरीयत के अकॉर्डिंग शासन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी चीज, उर्दू थोपने की वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है जिसको खुद को उर्दू नहीं आती। आज भी आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान को जब सुनते होंगे तो उनकी लैंग्वेज में आपको पंजाबी टंग नजर आती होगी। इसके पहले नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ को आपने जब भी सुना होगा तो पंजाबी टंग में बोलते थे वो। इसके पहले परवेज मुशर्रफ थे, जब भी आपने उनको सुना होगा तो पंजाबी टंग था उनका। बेनजीर भुट्टो का भी पंजाबी टंग था। तो पाकिस्तान का तो सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको पंजाब से आना जरूरी है। अब पंजाब का आदमी पंजाबी बोलेगा कि उर्दू बोलेगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो मुजीबुर रहमान के साथ गलत तो हो रहा था, और ये गलत इस हद तक हो रहा था कि अब पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने इसको टॉलरेट नहीं किया, और टॉलरेट ना करते हुए आम लोगों ने हथियार उठा लिए। और आम लोगों ने ये जो हथियार उठाए, ये जो फोर्स बनाई, इस फोर्स को एक नाम दिया, और नाम दिया मुक्ति वाहिनी। किससे मुक्ति? पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्ति। और डिमांड क्या होगी? बंगला। यहां पे पहली बार 1970 में बांग्लादेश में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता है जिसमें यह मांग रखी जाती है कि अब हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि स्पेशल ऑटोनॉमी की डिमांड तो पिछले 11 सालों से हो रही है जिसको किसी ने माना नहीं है। हमें अब पाकिस्तान के साथ रहना नहीं है, वी वॉन्ट अ सेपरेट नेशन जिसका नाम होगा बांग्लादेश। देश के नाम के पहले भाषा है बंगला। तो जिस बंगला के लिए जीने और मरने की कसम खाई गई, अब उस बंगला को लेकर के आंदोलन भी शुरू हो चुका है। मुक्ति वाहिनी ने जब सशस्त्र विद्रोह किया तो फाइनली भारत को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने यहां पर जो मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया वो सपोर्ट करना शुरू किया 31 अक्टूबर 1971 से। यहाँ पे पूरे नवंबर भर एक लड़ाई चली और करीब करीब 45 दिन तक ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इंडियन फोर्सेस ने डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट किया था पाकिस्तान की फोर्सेस से। हालांकि इसमें एक बड़ा रोल मुक्ति वाहिनी पहले से ही निभा रही थी, लेकिन बिना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ये पॉसिबल नहीं था। अब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 14,000 भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान के अंदर घुसे, 45 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटा दी, एंड 16th of December 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। कितने सैनिकों ने? 93,000। क्यों कर दिया भाई? क्योंकि पिछले 10-11 सालों से ये ईस्टर्न पाकिस्तान में क्या कर रहे थे? ऐश कर रहे थे। इन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान को अपना ऐश गाह बना दिया था, 3 मिलियन बंगालियों को मार के खा गए थे। तो ये सैनिक कहां से हुए? इनके अंदर युद्ध लड़ने की कैपेसिटी नहीं बची हुई थी। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स यहां पे सरेंडर करते हैं, और 16th of December 1971 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म होता है, और इस देश का नाम होता है बांग्लादेश। तो इस तरीके से ये जो बड़ा मुल्क था पाकिस्तान, ये दो हिस्सों में टूट जाता है और बांग्लादेश एक नया और आजाद मुल्क बन जाता है 1971 16th of December से। इसी दिन को आप विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है? जो आप देख रहे हैं, अभी केवल वेस्टर्न पाकिस्तान बचा हुआ है, इसलिए उसको वेस्टर्न पाकिस्तान ना बोल करके केवल पाकिस्तान बोला जाता है, जिसके 4 प्रोविंसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो आपस में कन्फ्लिक्ट हैं, आपस में वो लड़ते हैं और परेशान होते हैं।
जो लोग भविष्यवाणियां करते हैं, जो लोग सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनावी नतीजे बताते हैं, उनका तो ये भी कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे कि केवल पंजाब स्टेट बचेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। खैर, अगर हम लोग बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की बात करें तो इस मुक्ति संग्राम में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा रोल किसका था? तो सबसे बड़ा रोल था शेख मुजीबुर रहमान का। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 1975 में 15 अगस्त के दिन इनकी हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल कंट्री था, सेना ने यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया और राष्ट्रपति भवन में घुस करके इनको और इनके परिवार को कत्ल कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी हैं शेख हसीना, आज ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत फख्र होता है कि ये एक ऐसे देश की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी महिला प्राइम मिनिस्टर हैं, जो साड़ी पहनती हैं और देश के नाम में ही बंगला लगा हुआ है। तो अपनी भाषा के लिए जीने और मरने का फायदा ये होता है कि आप एक ऐसा देश बना लेते हैं जो आपकी भाषा को, आपकी लैंग्वेज को पूरी दुनिया में पहचान दिलाता है और अपने कल्चर को भी नहीं छोड़ता है। वहाँ पे कोई अरेबिक कल्चर नहीं है, वहाँ पे कोई उर्दू कल्चर नहीं है, बांग्लादेश में आज भी इंडियन कल्चर चलता है। वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा रेडिकल लोगों को भी नहीं देखा होगा। खुद प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे साड़ी वियर करती हैं तो और लोगों की बात वहाँ पर क्या करी जाए। खैर, तो शेख हसीना के जो फादर हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनको पोस्ट होमरस मरणोपरांत वर्ष 2021 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गांधी शांति पुरस्कार, गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज से नवाजा है। क्यों नवाजा है, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ये गांधी पीस प्राइज है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि मैं आपको इतना लंबा टॉपिक इसी प्राइज की वजह से डिस्कस किया है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से दुनिया में कुछ बहुत फेमस अवार्ड्स होते हैं, उसी तरीके से इंडिया का ये अवार्ड गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज बहुत फेमस है। एक ज्यूरी है जो ये डिसाइड करती है कि ये अवार्ड किसको दिया जाएगा, और इस ज्यूरी को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसके मेंबर्स में लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होते हैं। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके ये डिसाइड करे कि अवार्ड किसे दिया जाना है, तो इसका मतलब अवार्ड में ट्रांसपेरेंसी होगी। अब यहां पर गांधी पीस प्राइज में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि कांग्रेस एग्री क्यों कर गई, क्योंकि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जब हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। शेख मुजीबुर रहमान को यह अवार्ड देने का सीधा सा मतलब था इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप को और मजबूत करना, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संबंध हांशिए पर थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि संबंध खराब थे, लेकिन उनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए ये अवार्ड हमने शेख मुजीबुर रहमान को दिया। शेख साहब जो हैं, इन्हें बांग्लादेश का पिता भी कहते हैं, आधुनिक बांग्लादेश का निर्माता भी कहते हैं, बांग्लादेश का गांधी भी कहते हैं, बांग्लादेश का जनक भी कहते हैं। और इससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश के जो हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं वो भी इंडियंस को मिलते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को मिल चुका है, श्रीमती इंदिरा गांधी को मिल चुका है, और बांग्लादेश इंडिया को ही अपना सबसे बड़ा भाई और सबसे अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, ताकि ये दोनों देश आपस में जो बाउंड्री शेयर करते हैं उसकी वजह से कोई क्लैशेस नहीं आए और दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक साझेदारी है वो लगातार बढ़ती रहे। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 1995 में शुरू किया गया था और आखिरी पुरस्कार ये इसी साल वर्ष 2021 में दिया गया है। अब तक कुल ये 21 लोगों को दिया जा चुका है और ये 21 लोगों में से ज़्यादातर लोग विदेशी थे, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस है तो विदेशी लोगों को ही दिया जाएगा, जैसे कि नेल्सन मंडेला को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने बांग्लादेश की पूरी कहानी को सीखा, साथ ही साथ हम लोगों ने बांग्लादेश के जन्म का कारण, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेज हैं उसके बारे में भी जाना, और हम लोगों ने एक डिटेल एनालिसिस किया गांधी शांति पुरस्कार के बारे में भी।
तो आज मैं आपको केवल एक करंट अफेयर इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं बांग्लादेश का पूरा टॉपिक आपको अलग से भी पढ़ाना चाहता था। तो आशा करता हूँ कि ये पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अब मैं अगले सप्ताह जो करंट अफेयर की सीरीज में लेके आऊँगा उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एक साथ कलेक्ट करके मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए यहाँ पे मैं अपनी बात को रोकूंगा। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ते रहिए और किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कभी भी संपर्क करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।